अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज फ्री टू रोटेट अबाउट एक्सिस, ठीक है। हाँ, तो ये रॉड को अगर छोड़ा जाएगा इस तरीके से, तो ये देखिए नीचे यहाँ पे mg का टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो यहां से सीधे आप क्या लिख दो, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब टॉर्क कितना है, mg इंटू में एल बाय टू, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू में अल्फा। तो देखिए अल्फा यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा यहाँ पे 2g बाय 3l, ये अल्फा आता है, ठीक है, 2g बाय 3l। अब देखिए यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा 2g बाय 3 है, उल्टा लिख दिया शायद 3g बाय 2 आएगा, 3g बाय 2 ऐसा। अब देखिए अल्फा और ओमेगा ये हर एक रोटेशन में हर एक पॉइंट के लिए कॉमन होता है, बस फर्क पड़ेगा आपका क्या, जो लीनियर वाला है, लीनियर वाला किसी भी पॉइंट पर अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है इस डिस्टेंस x से, a इक्वल्स टू अल्फा एक्स कर दीजिएगा, है ना, तो आपका अल्फा तो कॉमन रहेगा। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ राइट एंड, तो ये 3g by 2l आ रहा है, 3g by 2l आ रहा है, 3g by 3gl कहां से आ गया, ये तो सही नहीं है, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा ये तो, एंड इज कॉमन टू ऑल पॉइंट। शायद मुझे लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक है, ये इसको सही कर देते हैं, यहां आना चाहिए, यहां नहीं आएगा, इसको उड़ा देते हैं यहां से, थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ह्यूमन एरर तो कहीं भी आ सकता है। इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ राइट एंड ऑफ रॉड इज 3g बाय 2l, राइट हो चाहे लेफ्ट हो कहीं भी वो तो कॉमन रहेगा, ठीक है, तो आंसर ए तो सही लग रहा है। इनिशियल लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ राइट एंड कॉमन तो होता ही नहीं है, तो आधा स्टेटमेंट ही गलत है, ये तो गलत हो गया, 3g बाय 2 हो सकता है, इनिशियल लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ राइट एंड, हाँ ये सही है, तो आंसर इज ए एंड सी, इसको चेक कर लेते हैं, आंसर इज ए एंड सी, डी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डी को भी देख सकते हैं वैसे, नो पॉइंट ऑन द रॉड, पहले चेक कर लेते हैं डी को, आंसर ए और सी दिया है, नो पॉइंट ऑन द रॉड हैव अ लीनियर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी। अब ये देखो 3 बाय 2 आ रहा है, तो 3 बाय 2 तो ग्रेटर देन जी ऐसे ही हो गया, तो गलत है।